Okay, so now let's start with live event ka sound recording. What do you need to know to be able to manage, let's say, like a concert? What all does this involve? What are the elements involved? हम क्या करते हैं बेसिकली, लाइक दिस इज अ बेसिक पैटर्न ऑफ डूइंग ए लाइव साउंड मैनेजमेंट. कि सबसे पहले हर एक बंदा रिदम सेक्शन को हाथ में लेगा कि चलो भाई ड्रम को सेट करते हैं, फिर तबले को लेगा, फिर त्रिम्बाली को आएगा, ढोलक पे आएगा. सो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले माइक्रोफोन प्लेसमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. Everyone, welcome back to Photosynthesis, Indie Visuals podcast, where we talk to some of the best creative people from across India, photography, videography, and now increasingly the technical aspects that go into filmmaking. Today we have with us Bhishma Trivedi, and we're going to do a special look into sound recording today. He spent many, many years. We are talking from one very cold place to another, from Delhi in India, which is very cold right now, to Derby in the UK. In the very center of UK. Hi Bhishma, welcome to Photosynthesis. Thank you so much for inviting me, and I shall accept it as a big opportunity to portray myself and my work front of you and all your viewers. So first question I just want to ask you is, how did you get into sound recording? How did you decide to care this is the field I really want to explore? Okay. So, let me tell you a quick info about myself, like how I jumped to the sound recording field or a sound technical field. My life started in the creative art field as often basically a musician, because my whole family is वो एक संगीत का कल्चर था हमारे फैमिली में, और खास करके भारतीय शास्त्रीय संगीत का. सो मेरे दादाजी से लेके मेरे पापा, मेरे बड़े पापा से लेके हर कोई संगीत के साथ कुछ ना कुछ तरीके से जुड़ा हुआ था. सो दे विश कि मैं संगीत सीखूं और एक अच्छा कलाकार बनूं. श्री दुर्जटी एस मेहता की, जिसके पास मेरी बेसिक प्राथमिक तालीम हुई, 3 से 4 बरस तक मैं उनके पास सीखता रहा. सो मैं वहां पे वोकल एंड हारमोनियम दोनों सीख रहा था. उसके बाद फिर उनका समय और मेरा समय मैच नहीं हो रहा था, एंड ही सजेस्टेड मी कि अभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप दूसरे गुरुजी के पास जाओ. तो फिर मधुकर भाई उपाध्याय करके मेरे सिटी में, भावनगर में, मेरे दूसरे गुरु कि जिसके पास से मेरा संगीत विशारद तक का पूरा एजुकेशन हुआ शास्त्रीय संगीत में. तो धीरे धीरे I was involving in the vocal musics, and मुझे वो like दिल से पसंद आता था तो मैं वो करता था. So like मेरी school time में, college time में ऐसा रहा कि I used to sing on the stage sometimes annual ceremony में या तो फिर ऐसा कुछ. But मधुकर भाई उपाध्याय जो मेरे गुरुजी है, उसके पास से एक ट्रेनिंग मिला कि जब तक सच में कुछ अंदर ना हो तब तक उसका दिखावा नहीं करना चाहिए. वो कभी कभी मैं ऐसा बोला कि ये कंपटीशन है या तो फिर ये प्रोग्राम है या तो फिर कुछ भी है कि जहां पे मुझे आई वॉन्ट टू शो माई सेल्फ, तो बोलते थे कि आई विल फॉर्म अप, आई विल फिल अप द फॉर्म, बट गुरु में मेरा नाम मत लिखना. एंड मैं वो परफॉर्मेंस लेके या तो फिर वो स्टेज का जो एक अट्रैक्शन रहता है कि सबके सामने एक दिखाना कि आई एम अ गुड सिंगर, तो वो धीरे धीरे चला गया. सो आई नेवर विश टू बी अ परफॉर्मर, rather I truly wish to be an lover of art. So I was very confused ki chalo mujhe singer to nahi banna hai, I don't want to earn a single penny from it, to main aisa kya karu ki main art ke field se sath juda rahu aur sath mein kuch aisa bhi karu ki jise mujhe public ke samne na aana pade. So I was keep looking for a different way ki main क्या कर सकता हूं और व्हाट ए कैरियर शुड आई परसीव. तो फिर ये साउंड इंजीनियरिंग वाला एक कोर्स मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया मेरे को, एंड आई वाज टेकिंग लाइक आई वाज आस्किंग फॉर ब्रोशर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, लाइक ऑस्ट्रेलिया से भी ब्रोशर्स आए, अमेरिका से भी ब्रोशर्स आए, एंड फिर मैंने वो देखा कि व्हाट एक्चुअली द साउंड
रिकॉर्डिंग कोर्सेस आर देयर, कि किस किस प्रकार के ये कोर्सेस होते हैं, उसमें क्या क्या टेक्निकलिटीज सिखाई जाती है और उसके बाद हमारा फ्यूचर क्या रहता है. सो फ्रॉम वन ऑफ माई रिलेटिव आई कम टू नो दैट इन मुंबई, जो मुंबई यूनिवर्सिटी है वो भी कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स ये साउंड रिकॉर्डिंग्स के करवाती है. फिर बाद में पता चला कि मुंबई यूनिवर्सिटी भी ये कोर्स करवा रही है सिर्फ 22,000 रुपए में. कुछ 120 लोगों का 2010 में इंटरव्यू हुआ था एंड रिटन एग्जाम था, उसमें से सिर्फ 18 लोग को सिलेक्ट किया गया एंड आई वॉज लकी कि मैं उसमें सिलेक्ट हुआ एंड देन आई स्टार्टेड दिस साउंड इंजीनियरिंग कोर्स. सो बेसिकली इट इज जस्ट अ सर्टिफिकेट कोर्स, इट इज नॉट अ डिग्री कोर्स एंड आज तक भी इंडिया में डिग्री कोर्स साउंड के रिगार्डिंग नहीं होता. सो दैट्स इट, लाइक आई जंप टू दिस कोर्स एंड देन आई फिनिश इट विद इन 11 मंथ्स एंड फिर आगे बनता गया सब. यू कैन यस. एंड व्हाट इज अ करियर देन, हाउ डिड यू स्टार्ट ऑफ विद योर करियर इन साउंड रिकॉर्डिंग? So, what was the journey? What were the steps you took? Seedha corporate side, filmmaking side, directly aapke idhar gaye? Okay. Yes. So फिर इसमें ऐसा होता है कि जैसे कि आप कोर्स करते हो उसके बाद when you don't have any experience of using a, like there are several variant different like हम बोलते हैं ना कि पेटा ऑब्जेक्ट्स है उसके अंदर, कि साउंड के अंदर भी इतनी सारी फील्ड्स है कि सिर्फ साउंड इंजीनियर बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन हर एक क्षेत्र में अलग अलग साउंड टेक्निकल बंदा काम करता है और वो हर एक काम एक काम से अलग है. सो हम देखें तो बेसिकली हम तीन भाग में उसको बांट सकते हैं. पहला जो है वो लाइव स्ट्रीम, कि जहां पे लाइव इवेंट्स होती है एंड इट इज वेरी बेसिक्स कि हर एक जगह पे पूरे इंडिया में लाइव इवेंट्स को मैनेज करने के लिए साउंड के हिसाब से साउंड इंजीनियर की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू नो कि जो मिक्सर है, जो साउंड का मिक्सर है, उसको ऑपरेट कैसे कर रहा है, कहाँ से इनपुट आ रहा है और आर्टिस्ट की अपेक्षा के मुजब उसमें इफेक्ट डालो, उसमें जो भी इक्वलाइजिंग करना है वो करो एंड फिर उसको अपने स्पीकर्स में आउट करो. तो दिस इज अ लाइव इवेंट. द दूसरा पार्ट जो है कि जब फिल्म का शूटिंग होता है तब वहां पे एक रिकॉर्डिस्ट की आवश्यकता है कि जो भी डायलॉग बोले गए हैं, जो भी सराउंड साउंड है, जो भी एम्बियंस है, वो फीलिंग को जिंदा रखने के लिए और जब भी प्रेक्षक फिल्म को देख रहा है तो उसे ऐसा लगे कि ये ट्रेन स्टेशन का ही सीन है, ये बेडरूम का ही फीलिंग है, या तो फिर जो जब चेजिंग है या तो फिर कुछ फाइटिंग वाला सीन है, तो जो जहां पे भी वो शूट हो रहा है तो उसका एक फील आने के लिए उसका एम्बियंट साउंड, सराउंड साउंड, जो भी एक्टर के अलावा आसपास की चीजों में कुछ ना कुछ हो रहा है, तो उसको रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी, इंक्लूडिंग डायलॉग को भी रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी ये फ्लोर रिकॉर्डिस्ट की रहती है, जिसको साउंड मिक्सर बोला जाता है, या तो साउंड रिकॉर्डिस्ट बोला जाता है या तो फिर फ्लोर रिकॉर्डिस्ट बोला जाता है. तो दिस इज द सेकंड स्ट्रीम आई एम टॉकिंग अबाउट साउंड इंजीनियरिंग. एंड द थर्ड पार्ट इज कि जो पूरा, चाहे वो फिल्म हो, एडवर्टाइजमेंट हो, या तो फिर डॉक्यूमेंट्री हो, या तो फिर सीरीज हो, या तो फिर कोई भी प्रकार का वीडियो का प्रोडक्शन हो, उसका जब पोस्ट प्रोडक्शन की समय आता है कि जब शूटिंग हो जाए या तो फिर आपका शूटिंग का पूरा शेड्यूल डन हो जाए, उसके बाद का एडिटिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, जो एक साउंड के हिसाब से अलग से होता है एंड फिर वो बाद में जाके वीडियो के साथ मर्ज होता है. सो देर आर थ्री डिफरेंट वेरियंट ऑफ साउंड इंजीनियरिंग. सो उसमें से लाइक 2011 में जब मेरा स्टडी फिनिश किया, सो आई वॉज विजिटिंग मुंबई के हर एक वीडियो, लाइक जो भी स्टूडियोज थे, लाइक हर एक की अपेक्षा यही रहती है कि मुझे स्टूडियो में जॉब लग जाए बस, क्योंकि वो समय पे लाइव में जाना या तो फिर फिल्म फ्लोर पे जाना ऐसा कुछ तो हमें पता ही नहीं था. उसका सिर्फ एक बेसिक इंफॉर्मेशन था कि ये फील्ड में भी हम जा सकते हैं, लेकिन हर एक इंजीनियर की वो एक ड्रीम रहता है कि मुझे कोई अच्छे खासे एक स्टूडियो में एज ऑफ अ रिकॉर्डिस्ट या तो फिर एज ऑफ अ मिक्सर जॉब मिल जाए, कि जहां पे मैं
एक सेटल्ड सैलरी के साथ काम कर सकूं एंड मेरा जो पैशन है वो मैं कर सकूं, परसीव कर सकूं। तो फिर आई वॉज स्किप विजिटिंग डिफरेंट स्टूडियोज कि भाई मुझे जॉब दे दो, जॉब दे दो, जॉब दे दो। बट फेब्रुवरी 14th, आई एग्जैक्टली रिमेम्बर कि 14th फेब्रुवरी 2012 कि जहां से मुझे काफी समय से मैं वहां पे फोन कर रहा था और वहां से मेरे को कॉल बैक आया। सो लाइक मुंबई का हर एक बंदा पहचानता है एम्पायर स्टूडियो, जो नरियादवाला प्रोडक्शन हाउस का लाइक द बिगेस्ट स्टूडियो एवर इन मुंबई एक समय पे, जब यशराज भी नहीं था, यशराज स्टूडियोज जब नहीं था, तब इट वॉज ओनली द स्टूडियो कि जहां पे 100 लोग को एक साथ बिठा के या तो फिर 50-60 लोग को एक साथ बिठा कर पूरा सिंपनी रिकॉर्ड कर सकते थे, इतना बड़ा स्टूडियो था वो। तो मुझे वहां से कॉल आया कि आज सेठ जी है ऑफिस में, आप चाहो तो मिलने आ जाओ। तो फिर मैं शाम को वहां पे पहुंचा, फिर सेठ जी ने के लाइक साजिद नरियादवाला सर के कोई आई कैन से दैट कि उनके अंकल और कुछ रिलेटिव में थे वो, जो सेठ जी जिसे बुलाते थे वो, और मुझे वो कनेक्शंस में से उनका रेफरेंस मिला था। तो फिर मैं वहां पे मिलने गया उनको एंड फिर पूछा कि तू कहाँ से आया है, क्या करता है, और एक ऐसा सवाल कि जो एकदम शॉक कर दे मेरे को। लाइक वो तो सब ठीक है कि तूने ये सीखा है, तेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तूने थोड़ा फ्रीलांसिंग भी किया है, लेकिन ये मेरे सारे इतने सारे करोड़ों के मिक्सर बिगाड़ तो नहीं देगा? मैंने बोला क्यों बिगाड़ूंगा, ऐसे थोड़ी ना कोई बिगाड़ दूंगा। तो बोले कि चलो हम ट्राई करते हैं एक महीने के लिए, यू विल कम एवरी डे हियर एंड हम देखते हैं कि हमारा जमता है कि नहीं जमता है, आगे जाके फिर तुम्हारी सैलरी का बात करेंगे। सो जनरली फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपको प्रोफेशनल काम सीधा नहीं मिलता। आजकल थोड़ा वो चेंज हो गया है कि व्हेन ए पर्सन इज एक्सपर्ट तो उसके उसको अपने काम का और मेहनत का अच्छा खासा रिटर्न मिलता है एंड नोबडी डू फ्री थिंग्स। लाइक गुजराती हूँ, बिजनेस माइंड अंदर रहता है, लाइक बिजनेस ब्लड में रहता है, फिर भी मैंने सोचा कि यार एक महीना तो दे सकते हैं हमेशा। तो फिर एक महीने के लिए काम वहां पे शुरू हुआ एंड फिर वो डे बाय डे डिफरेंट रिकॉर्डिंग सेशंस होते थे वहां पे कि दोपहर सो 2-3 बजे से सब लाइक रिकॉर्डिंग सेशंस शुरू होते थे और बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे, जैसे कि प्यारे लाल जी है तो पूरा उनका कुछ दुबई में एवरी ईयर शो होता था, तो फिर वो शो को परफॉर्म करने के लिए वो लोग काफी चीजें रिकॉर्ड करके लेके जाते थे कि जिसमें 20-20, 30-30 वायोलिनिस्ट बैठे हैं, फिर वायोला वाले आएंगे, लाइक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट आएगा, फिर रिदम इंस्ट्रूमेंट आएगा, तो अरे हर एक अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंटल सेक्शन वहां पे 5-5, 6-6 दिन तक रिकॉर्ड होते थे, फिर उनके ट्रैक्स वगैरह बनते थे एंड फिर वो दुबई जाके उसको परफॉर्म करते थे। सो ये चीज लाइक इट वॉज माई फर्स्ट डे कि मैं लाइक मेरा स्टार्टअप ही ऐसे हुआ कि मैं प्यारेलाल जी जैसे एक दिग्गज आर्टिस्ट के साथ काम करने का मेरे को मौका मिला। वहां पे सीनियर चिन्मय हर्षे करके एक साउंड रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे, ही इज अ वेरी वेल नोन पर्सन इन मुंबई इंडस्ट्री एज ऑफ अ साउंड रिकॉर्डिस्ट। तो फिर उनको आसिस करता था मैं, माइक प्लेसमेंट्स करना, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अलग अलग जगह पे माइक प्लेसमेंट्स किए जाते हैं, जैसे कि सितार है तो अलग प्रकार से उसका माइक प्लेसमेंट करना है, अलग माइक्रोफोन प्लेसमेंट करना है, जैसे कि तबला है तो तबला का भी एक अलग रिदम माइक्रोफोन है तो वही माइक्रोफोन से आपको रिकॉर्ड करना है, उसी प्रकार से आपको उसका प्लेसमेंट भी करना है कि उसकी आवाज एक अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करे। तो फिर 5-6 दिन तक इस प्रकार का रिकॉर्डिंग सेशंस होता है, उसके बाद फिर उसका एडिटिंग वगैरह काम होता है क्योंकि जो फिर सॉफ्टवेयर्स वगैरह में टेक्निकल हिसाब से वो सब होता है। तो इस प्रकार से फिर वो एक महीने तक चला पूरा असिस्टिंग। फिर वहां से सीन ये हो गया कि चिन्मय हर्षे ने वहां से एज ऑफ अ रिकॉर्डिस्ट जॉब छोड़ दी एंड ही सेड मी कि भीष्म अब कल से क्या करोगे आप, मैं तो दिस इज माई लास्ट डे एंड आई विल नॉट कम फ्रॉम टुमारो। सो अभी आपका सीनियर जो वहां का इंचार्ज है, जो पूरा स्टूडियो देखता है, वही नहीं है तो फिर काम कैसे आएगा, और काम नहीं आएगा तो फिर आपका क्या अस्तित्व है वहां पे? तो फिर ये थोड़ा सीन था मेरे लिए कि अब मैं क्या करूंगा। फिर उन लोगों ने बोला कि भीष्म वी विल लेट यू नो
जब भी सेठ जी ऑफिस पे आएंगे तब आपको मिलना होगा और हम कुछ आगे बात करेंगे ऐसा। सो 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, लेकिन कुछ कॉल नहीं, कुछ नहीं। एंड आई वॉज सो फेंटेड कि अभी क्या होगा यार, इतनी अच्छी चीज, लाइक आई वॉज होल्डिंग अ डायमंड इन माई हैंड। क्योंकि एम्पायर स्टूडियो में काम करना एक वो बड़ी प्रेस्टीज मानी जाती है हमारी लाइक क्रेडेंशियल्स के लिए। एंड फिर वो अचानक से 1 महीने के बाद ऐसा हो जाए, सो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि अभी क्या होगा, अब कौन सी जगह पे ट्राई करूँ तो एटलीस्ट मेरा कुछ वे थ्रू हो। लेकिन उन लोगों का कॉल बैक आया एंड आई वेंट टू मीट हिम। एंड बेसिकली दे आर गुजराती पीपल, तो उन्होंने मेरे को गुजराती में बोला कि भीष्म कैन यू मैनेज दिस मिक्सर। मैंने बोला कि हाँ क्यों नहीं कर सकता, लाइक मैंने ये पढ़ा हुआ हूँ, अभी मैं चिन्मय सर को आसिस कर रहा था तो ये मैनेज कर सकता हूँ मैं आराम से। एंड उसी प्रकार से मैंने काम वहां पे शुरू किया। फिर वहां पे डबिंग के काम होते थे, फिल्म्स की डबिंग जो होती है उसका भी काम होता था, फिर म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स का काम होता था। तो आगे आगे अपने आप से सब बातें बनती गई। कहीं कहीं जगह पे भी ऐसा था कि आई वॉज अ लेक इन द कॉन्फिडेंस कि यार बहुत बड़ा सिंगर आपके सामने जब खड़ा है तो आपके पैर में ना ताकत नहीं रहती उसके सामने बात करने की, या तो यू कांट से दैट कि मैडम ये लाइक वेन 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 सुनिधि चौहान या तो फिर शंकर महादेवन या तो फिर हरिहरन या तो फिर पीयूष मिश्रा जैसे लोग दे आर सिंगिंग इन द स्टूडियो, सो आप उनको बोल नहीं सकते कि ये एक बार रिटेक ले लेगा, ये ठीक से नहीं आया। बट वो हिम्मत जुटानी पड़ती है एंड यू हैव टू से इट टू समबडी कि ये पार्ट हमें फिर से लेना होगा। सो ग्रेजुअली वहां पे अनुभव बनता गया। फिर टाइम कम कि स्टूडियो बंद होने वाला था क्योंकि द स्टूडियो वॉज वेरी बिग। एंड ऐसा था कि बाय दैट टाइम सब ये मीडी वगैरह सब जो भी काम है वो सब कीबोर्ड में बन जाता था, जैसे कि आपको सैक्सोफोन का आवाज चाहिए या तो फिर सितार का आवाज चाहिए या तो फिर वीणा का आवाज चाहिए, तबला का रिदम बनाना है, तो वो सब लूप्स वगैरह पे हर एक चीज कीबोर्ड पे ही हो जाती थी, प्रोग्रामिंग हो जाती थी। तो डे बाय डे क्या होता था कि बड़े बड़े स्टूडियो जितने भी थे उसका कुछ काम नहीं रहता था। एंड जो बहुत फेमस है, जो अफोर्ड कर सकता है इतने बड़े स्टूडियो को, वही लोग यहाँ वहां पे आते थे। सो फिर ऐसा होने लगा कि महीने में सिर्फ 6 काम है, 7 काम है, उससे ज्यादा कुछ काम ही नहीं है। तो फिर दे टुक अ डिसीजन कि लेट्स क्लोज दिस स्टूडियो एंड दे आर सपोज टू गिव दैट स्टूडियो टू कलर, लाइक जो फिल्म में जितना भी कलर का काम होता है या तो फिर जितना भी एडिटिंग के बावजूद जितना भी वीडियो प्रोडक्शन पे जितना भी एडिटिंग होता है उसको वो स्टूडियो वो लोग रेंट पे देने वाले थे। तो दे सपोज टू क्लोज द स्टूडियो एंड आई वॉज इन्वॉल्विंग इन माई इंडस्ट्री, आई वॉज गेनिंग द एक्सपीरियंस, लेकिन घर से ऐसे फोन आते थे कि तूने जो करना था वो कर लिया, यू आर गेटिंग गुड सैलरी देयर, बट अभी तू वापिस आ जा भावनगर एंड अभी धंधा संभाल ले। तो फिर मुझे भावनगर वापिस आना पड़ा मुंबई से, और वो मेरे लिए बहुत तकलीफ वाली बात थी कि एक तरफ धंधे को सीखना है और एक तरफ मेरा जो सोल है वो मेरे में नहीं है, लाइक सुबह से लेके शाम तक दुकान पे बैठे रहो। सो आई कंटिन्यूअसली लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड आई कम टू नो कि देर वॉज वन यूएसए गाय, लाइक ही केम फ्रॉम अ यूएसए एंड ही विश टू मेक अ फिल्म। लाइक एक फिल्म की बात करें तो करोड़ों में फिल्म बनता है जब व्हेन बिग आर्टिस्ट आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन इट, लेकिन ये बंदे का बजट था शायद अराउंड 20 to 30 lakhs। सो एक वेरी क्रिएटिव पर्सन के साथ मुझे काम करने का मौका मिला एंड इट वॉज द फर्स्ट फिल्म की जहां पे मैंने साउंड मिक्सर के क्रेडिट के साथ काम किया। वो जंगल में हम 4 महीना रुके एंड बहुत अच्छा फुटेज वहां पे रिकॉर्ड किया, और इट वॉज अ हॉरर मूवी। अभी तक वो रिलीज नहीं हुआ और या तो फिर डिब्बे में गया शायद, लेकिन द वे ही मेड इट, लाइक वहां से मुझे ही खुद को काफी चीजें सीखने को मिली। एंड whatever mixers and whatever equipments he bring from USA wo india mein available nahi the, like it was a very portable tiny recorder, zoom h6, like it is very well known nowadays all over india as well as all over the world
कि जूम की जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो आजकल काफी फेमस है, लेकिन आई प्रिटी श्योर कि मैं इसके ऊपर क्लेम लगा सकता हूं कि आई वॉज द फर्स्ट इंडियन हु यूज द जूम H6 रिकॉर्डर इन इंडिया. जब तक वो फिल्म होने हो जाने के बाद मैं कहीं भी एज ऑफ अ साउंड रिकॉर्ड इस प्रोजेक्ट के लिए जाता था, एंड जब भी लोग मेरे टूल्स देखते थे तो बोलते थे कि यार इतने छोटे एक मिक्सर में आप साउंड को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि हर एक को वो पूरा ट्रॉली वाला सेटअप, बड़े बड़े मिक्सर्स एंड हर एक लाइक वो वेरी ओल्ड स्टफ के साथ ही काम करने की आदत थी. तो नोबडी वॉज बिलीविंग कि ये छोटे वाले सेटअप में भी आपका काम हो सकता है. तो फिर वहां से मैंने काम एज ऑफ साउंड रिकॉर्डिस्ट शुरू किया, एंड फिर वो फिल्म बाद फिल्म लाइक इतना चला वो काम कि मैंने भोजपुरी में काम किया, मराठी में काम किया, गुजराती में काम किया, एंड नॉन स्टॉप छाप काम, बड़े बड़े आर्टिस्टों की बड़ी बड़ी फिल्में की. सो नाउ आई वांट टू गेट इनटू द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स. सो ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद लाइव इवेंट का साउंड रिकॉर्डिंग. व्हाट ऑल डज दैट इन्वॉल्व टेक्निकली? व्हाट इज द टीम लाइक? What do you need to know to be able to manage, let's say, a large event like a concert, or a, because you had talked about working with Ustad Zakir Hussain also. Yes. Right. And you worked with some of the greats. What all does this involve? What are the elements involved in this? Okay. So basically, live event is what, like, एक सीधी समझ है. Like this answer might make the thing very easier. एक माइक्रोफोन से लेके स्पीकर तक जितना भी फ्रीक्वेंसी पास ऑन हो रही है, सो फ्रॉम वन एंड समथिंग इज कमिंग एंड फ्रॉम अदर एंड समथिंग यू आर सेंडिंग. व्हाट एवर यू आर रिसीविंग यू आर सेंडिंग. सो उसके बीच वाला जो प्रोसेस है, यहां पे ऑपरेशंस होता है. एंड द बेस पार्ट ऑफ अ साउंड लाइव इवेंट साउंड कि यहां पे ना प्लेबैक करने का चांस नहीं है आपको. सो जो भी इंजीनियर है ही हैज टू बी वेरी अवेयर एंड वेरी फोकस्ड व्हाट एवर ही इज डूइंग और व्हाट एवर ही इज प्लेइंग विथ हिज मिक्सर, कि जो समय पे जो आर्टिस्ट की अपेक्षा है वही समय पे वेरी एक्यूरेट माइक्रो सेकंड पे वो चीज होनी चाहिए. वो नहीं हुई तो द थिंग्स फ्लॉप. वो गया आपके हाथ से, आप कुछ नहीं कर सकते. सो मैं थोड़ा बेसिक फंडामेंटल्स दिखाता हूँ लाइव इवेंट्स का, कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि कोई हम एक ऑर्केस्ट्रा, बिग ऑर्केस्ट्रा की बात करें, तो ड्रम है, फिर त्रिम्बाली है, फिर ढोलक है, तबला है, फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि एटलीस्ट गिटार तो रहेगा ही रहेगा, इलेक्ट्रिक गिटार या तो फिर एकोस्टिक गिटार. फिर उसके बाद आता है वोकल सेक्शंस. तो हम क्या करते हैं बेसिकली, लाइक दिस इज अ बेसिक पैटर्न ऑफ डूइंग ए लाइव साउंड मैनेजमेंट, कि सबसे पहले हर एक बंदा रिदम सेक्शन को हाथ में लेगा कि चलो भाई ड्रम को सेट करते हैं, फिर तबले को लेगा, फिर त्रिम्बाली को आएगा, ढोलक पे आएगा. सो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले माइक्रोफोन प्लेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप ड्रम का प्लेसमेंट कर रहे हो माइक्रोफोन का, तो वो किस प्रकार से आप माइक्रोफोन प्लेस करो, चाहे वो बेस की आवाज हो या तो फिर वो डिशेस की आवाज हो या तो फिर वो बेसिक रिदम की आवाज हो, लेकिन माइक्रोफोन प्लेस करना और सही माइक्रोफोन प्लेस करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लाइव साउंड इवेंट. तो सबसे पहले 1 से 2 घंटे तक प्लेसमेंट का एक और ये सब मैनेजमेंट में ही जाता है. तो जब भी आर्टिस्ट आते हैं उसके पहले ही हम अपना प्लेसमेंट्स तैयार रखते हैं कि कहाँ पे कौन बैठेगा, उसको कैसे स्पीकर चाहिए, किस प्रकार से उसको माइक्रोफोन प्लेस किए जाएंगे, और उसके जितने भी कनेक्शंस है वो हम अपने मिक्सर के साथ तैयार रखें कि जब जैसे ही आर्टिस्ट आता है तो उसका सीधा हम बैलेंसिंग स्टार्ट करें. तो प्लेसमेंट करने के बाद फिर वो वन बाय वन एक एक इंस्ट्रूमेंट्स को हम चेक करते हैं कि किस प्रकार से आर्टिस्ट की अपेक्षा है, किस प्रकार से बाहर का जो पीए है या तो फिर बाहर के लिए जो प्रेक्षक सुनने वाला है वो जो स्पीकर है उसमें किस प्रकार से वो साउंड कर रहा है. यहाँ पे भी दो चीज है,
आर्टिस्ट की अपेक्षा कुछ होती है तो उस प्रकार से उसको साउंड देना है, और जो चीज आपको सही लगती है वो आपको अपने प्रेक्षकों को सुनाना है. सो बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग. कि आर्टिस्ट आर्टिस्ट बोलेगा कि इसमें मुझे खुद को रिवर्ब ज्यादा चाहिए तो उसको रिवर्ब दे दो, लेकिन जब व्हेन यू आर लिसनिंग द सेम थिंग फॉर द प्रेक्षक तो वो सही नहीं लग रहा कुछ भी तरीके से, वो ठीक नहीं है या तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है. सो आर्टिस्ट को सेटिस्फाइड करके वो फ्रीक्वेंसी को आपको ऑपरेट करके उसको आपको चेंज करके प्रेक्षक के लिए एक्सेप्टेबल बनाना है. तो नावाडेज जितने भी बड़े बैंड आते हैं उसमें दो इंजीनियर्स रहते हैं, एक स्टेज के लिए इंजीनियर एंड एक पब्लिक के लिए इंजीनियर. बराबर कि एक सिर्फ बाहर के स्पीकर्स का देखेगा और एक सिर्फ आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट्स को देखेगा. सो नावाडेज जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं उसके साथ दो दो इंजीनियर्स काम करते हैं और दो दो मिक्सर इंस्टॉल किए जाते हैं. इस प्रकार से लाइव इवेंट्स का काम होता है. फिर लाइव में कितनी सारी चीजें है बॉस. चाहे वो एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस हो जिसमें एक लाइक पोडियम माइक लगा दो, फिर एक दो वायरलेस दे दो. सो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग्स कि जहां पे इंजीनियर की आवश्यकता नहीं है, जो सिर्फ एक एनालॉग मिक्सर लेके कोई भी बंदा बैठ जाए तो उसको पता है. बट व्हेन एंड व्हाई द इंजीनियर्स नीडेड, कि जब कोई एक बंदा आता है आपके पोडियम में बोलने के लिए तो उसकी आवाज वेरी बेसी, तो वहां पे आपको बेस काटना है एंड पब्लिक को वो कर्कश ना लगे उस प्रकार से आपको वो बेस काट के उसको आपको स्पीकर तक वो फ्रीक्वेंसी को पहुंचाना है. दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट. एंड जब कोई बंदा जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी वेरी शार्प, यू नो लाइक शार्प मीन्स कि वो कान में सीधा घुसे, लाइक ऐसा घुसे कि आपको वो कर्कश हो जाए, यू कांट एक्सेप्ट दैट साउंड, तब भी आपको एक ऑपरेट करना है, हाई फ्रीक्वेंसीज को कट करना है, उसका आवाज का सोल भी ना चला जाए वो ध्यान रखना है. क्योंकि आप जब माइक्रोफोन में बोलते हो, और मैं इतने सारे ऑपरेशंस कर दूं, घूमड़ मचड़ कर इतना सारा उसको कॉम्प्लिकेट कर दूं कि वो रोबोटिक आवाज बन जाए, सो इट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. जो बंदे की आवाज है वही रहनी चाहिए. ये काम एक इंजीनियर ही कर सकता है व्हेन ही हैज अ वेरी क्लियर थियरी अबाउट साउंड टेक्निकलिटीज एंड व्हेन ही हैव अ मास एक्सपीरियंस, तब जाके वो काम होता है. तो फिर हम लाइव की अलग अलग बात करते हैं अभी, कि जैसे कि एक बेसिकली कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार्स है, कि जहां पे कुछ इतने सारे सेटअप्स नहीं रहते. उसके बाद ऑर्केस्ट्रा आता है, अलग अलग प्रकार का ऑर्केस्ट्रा, और ऑर्केस्ट्रा में भी बहुत सारा है. क्योंकि एक बेसिक एक ऑर्केस्ट्रा लेता है तो कि जहां से दो से तीन सिंगर रहते हैं एंड देर आर सम रिदमिस्ट एंड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सपोर्टर्स. उसके बाद जो आता है कि ड्रामा. सो एक चीज मुझे यहाँ पे नई गेन हुई यूके माइग्रेट होके, कि इंडिया में ज्यादा लाइक अभी आजकल लाइक लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स से वो सब होता है एनसीपीए जैसे बड़े ऑडिटोरियम्स में, बट हर एक जगह पे हर एक सिटी में वो नहीं दिखता कि लाइव सिम्फनीज आर देयर. 50 to 60 पीपल आर परफॉर्मिंग देयर म्यूजिक, दे आर सिंगिंग, दे आर परफॉर्मिंग देयर आर्ट, एंड मीनवाइल आर्टिस्ट एक ड्रामा भी परफॉर्म कर रहा है. सो दिस इज द वेरी चैलेंजिंग एस्पेक्ट ऑफ डूइंग अ लाइव इवेंट. कि कितना सारा तामझाम, हमारी जो इंडस्ट्री का शब्द है तामझाम, तो इतना तामझाम होता है बॉस कि इफ यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर वर्क, इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर वर्क, बॉस यू गो आउट लाइक एक दिन में आपकी छुट्टी हो जाएगी. सो देर आर सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद दिस वर्क. And drama is the most serious thing. Like ज्यादातर लोग क्या मानते हैं कि चार माइक फ्लोर माइक रख दो, पांच से छह हैंगिंग माइक रख दो ऑडिटोरियम या तो फिर जहां पे भी ड्रामा परफॉर्म हो रहा है, एंड दैट्स इट. कि आर्टिस्ट को लैपल माइक्स दे दो तो आपका ड्रामा हो गया. बट द बेस पार्ट वाइल डूइंग अ ड्रामा साउंड इज यू हैव टू गिव योर सोल टू योर टेक्निकलिटीज. कि आपको आर्टिस्ट का भाव समझ के, उसकी आवाज समझ के, उसका थ्रेशोल्ड समझ के, वो कौन से पिच तक
जैसे कि कोई बंदा चिल्लाने वाला है, अभी वो जब चिल्लाएगा तब व्हेन व्हेन द माइक्रोफोन इज वेरी नियर टू योर नेक और टू योर माउथ, जब वो चिल्लाएगा तो वो कितना फटेगा आवाज, एंड एक हद से ज्यादा जब आवाज बड़ी होती है तो वो फट जाती है ना स्पीकर में. सो यू मस्ट नो कि कहाँ पे क्या क्या चीजें करनी है, एंड इट ऑल कम्स विथ ओनली पैशन. सो जैसे ड्रामा का हुआ, फिर वो म्यूजिक म्यूजिक का तो सब ठीक है भाई, लाइक इट्स ऑल लाइक देर आर सम इजी थिंग्स, देर आर सम वेरी वेरी हार्ड थिंग्स. बट गैराज बैंड सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, सो मुझसे वो भी मैनेज नहीं हो रहा है तो. यस Even and even within that, like indoor and outdoor भी बहुत फर्क होगा. I guess the, for example, अभी Trevor Noah came to Bangalore, his event got cancelled because the sound they couldn't manage properly. I saw this one video of Freddie Mercury performing in Wembley. कि वो basically he's clapping his hands to like We Will Rock You. Yeah. It's going in waves. Audience is clapping along in waves. कि sound is taking time to travel. जो ओम्स है साउंड के, या तो फिर बेसिकली चलो थोड़ा लेमेन भाषा में बात करें हम, कि जो फ्रीक्वेंसी है साउंड की, बेसिकली इट इज अ फ्रीक्वेंसी. हम आवाज मान रहे हैं कि ये सुनाई दे रहा है, बट इट इज बेसिकली वॉट वन काइंड ऑफ एनर्जी, वन काइंड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो एक जगह से जनरेट होती है एंड दूसरी जगह पे वो प्रोड्यूस होती है, बराबर. तो एज आई सेड कि माइक्रोफोन प्लेस करना इंस्ट्रूमेंट के साथ, या तो फिर जो भी बंदा बोलने वाला है उस प्रकार से माइक्रोफोन प्लेसमेंट करना, उसी प्रकार से फ्रॉम अ राइट प्लेस स्पीकर प्लेसमेंट करना, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ लाइव साउंड. कि जैसे इंडोर जितना भी प्लेसमेंट्स है तो वो पहले से ही बनाया हुआ आता है, लाइक हर एक प्रकार से वो, जैसे कि ऑडिटोरियम की बात करें, जो वहां पे अच्छे दिमाग को यूज करके उसके एकोस्टिक्स बनाए गए हैं, तो फिर यू लिटरली डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि जो भी है वहां से सिर्फ आपको मैनेज करना है. बट when इट इज आउटडोर इवेंट्स, सो इट इज वेरी ट्रबल्ड थिंग, कि हर एक चीज को आप सही तरीके से देखो, जानो, और उस प्रकार से उसका जो लेटेंसी है फ्रीक्वेंसी को, जैसे कि यहां से वो एक माइक्रोफोन से वो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुआ, एंड वो जो लास्ट रो में है, लाइक when इट इज अबाउट अ वेरी बिग ग्राउंड, या तो फिर वो स्टेडियम की बात है, तो वो लास्ट तक जब पहुंचेगा तब इट इज अ लेटेंसी, वो लेट पहुंचेगा वहां तक. तो वो लेट जो पहुंचने वाली बात है, उसका जो मैनेजमेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि वो ज्यादातर अभी जो स्टेडियम्स वगैरह में परफॉर्म्स होता है, तो वहां पे भी इंस्टॉल्ड स्पीकर्स है, कि ज्यादातर वहां पे कुछ काम नहीं रहता. लेकिन व्हेन इट इज अ बिग ग्राउंड, एम्प्टी ग्राउंड, तब जहां पे पूरा साउंड इंस्टॉल किया जाता है सिर्फ पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए, और फिर वहां से वो सब पैकअप होता है. तो वहां पे वो जब स्पीकर्स का प्लेसमेंट्स करते हैं, वो एक काउंटडाउन है कि कितने डिस्टेंस तक कितना साउंड जाएगा और कहां से लेटेंसी आने की शुरू होगी. तो अभी अभी ये व्हेन अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, चाहे वो साउंड इंजीनियर हो या ना हो, ज्यादातर लाइव फील्ड में ऐसा होता है कि हर एक बंदा साउंड इंजीनियर नहीं होता. जो भी बड़े आर्टिस्ट है उसके साथ एक डेडिकेटेड साउंड इंजीनियर उसके साथ ट्रैवल करता है, सिटी टू सिटी, कंट्री टू कंट्री. बट जो बेसिक परफॉर्मर है बाय सिटी, जो रूल करते हैं आर्ट जोन में, तो उनके साथ कोई इंजीनियर नहीं रहता, उनके साथ कोई एक ऐसा बंदा है कि जिसके पास सिर्फ साउंड ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस है. लेकिन उन लोगों को भी पता रहता है कि एक जगह पे मैंने स्पीकर प्लेस किया, वहां से कितने दूर तक मुझे दूसरा स्पीकर प्लेस करना है, और वो प्लेसमेंट के दरमियान ये ध्यान रखना है कि जब वो एक फ्रीक्वेंसी लेट पहुंचती है तो उसका मैनेज किस प्रकार से हो, कि वो आप मिक्सर में से सब मैनेज कर सकते हो. तो दैट्स इट. एंड देयर मेनी मेनी इयर्स ऑफ एफर्ट एंड हिट एंड ट्रायल एंड लर्निंग एंड असिस्टिंग. लाइव इवेंट ऐसा है कि ज्यादातर थियोरिटिकल नॉलेज के, लाइक आई एम स्ट्रांगली बिलीव कि हर एक बंदे को थियोरिटिकल नॉलेज होना चाहिए, बट जब तक लाइव साउंड की बात है तो वहां पे ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज चलता है बॉस.
वहां पे आप ये बोलोगे कि यहाँ पे तो लो कट होना ही चाहिए, यहाँ पे तो हाई कट होना ही चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी विसल ना करे तो ये कट कर ही देना चाहिए. इट वॉन्ट वर्क एनी प्लेस बिकॉज द प्लेस चेंज. इफ द प्लेस चेंज एवरी सिनेरियो चेंज. कि मैं एक मिनी थिएटर में परफॉर्म कर रहा, लाइक एक मिनी थिएटर का प्रोग्राम एंड एक बड़े ऑडिटोरियम का प्रोग्राम, या तो फिर एक ओपन एरिया का प्रोग्राम, एक ही सिंगर, एक ही इंस्ट्रूमेंट, हर एक चीज, एक पर्टिकुलरली जो आपने एक छोटी जगह पे यूज किया था वो ही एक बड़ी ओपन डोर ओपन इवेंट में करने जा रहे हो. बट व्हेन यू आर यूजिंग द सेम माइक्रोफोन, सेम इंस्ट्रूमेंट, सेम सिंगर, सेम वोकल्स, एवरीथिंग इज सेम, बट ऑल द नॉलेज चेंज. सो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार मैंने एक तबले का EQ बना दिया कि तबले के लिए इतना मेरे को ये बेस कम कर देना है, ये शार्पनेस बढ़ानी है चांटी बनाने के लिए, और ये सब कर लेना है, तो वो सेम चीज मेरे को डिफरेंट वेन्यू में काम नहीं आएगा. सो लाइव में हर एक बार कोरी पार्टी जितनी बार है, नया एक्सपीरियंस, नई डिमांड एंड नए प्रॉब्लम्स कि जिसका आपको ट्रबल शूट करना है. सो इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट. नाउ लेट्स मूव फ्रॉम देयर टू फिल्म्स. ओके, साउंड, लाइव साउंड रिकॉर्डिंग, इसमें भी बहुत बहुत नुएंसेस हैं, बहुत इसके अंदर ही बहुत काफी आर्ट है. ये थोड़ा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक साउंड एंड डबिंग एंड लाइक व्हिच पार्ट इज यूज्ड दीस डेज? ओके, फिल्म साउंड रिकॉर्डिंग, इट्स ऑल अबाउट लाइक जैसा बजट वैसा साउंड का काम. इट इज वेरी क्लियर फैक्टर कि आप जितना साउंड में पैसा डालोगे उस प्रकार से साउंड का काम बनेगा. कि जैसे कि आप लाइक समझ लो कि हर एक प्रकार के, हर एक अलग अलग कंपनीज के हर एक डिफरेंट इक्विपमेंट्स आर देयर. कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि रेंटल कंपनीज के पास से चीजें लेते हैं एंड फिर वो जो भी फिल्म का स्केड्यूल है वो काम करते हैं एंड फिर वो वापस देते हैं. तो देर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ अ फिल्म साउंड. एक पायलट साउंड रिकॉर्डिंग, दूसरा सिंक साउंड रिकॉर्डिंग. सो जो पायलट साउंड है, व्हाट इज इट, के यू आर बेसिकली गिविंग ए रेफरेंस साउंड टू द कैमरा. कि जो साउंड रिकॉर्डिंग का एक टूल है आपके पास, जो मिक्सर है, वहां से एक आउट निकल के वो कैमरे में जाता है एंड आर्टिस्ट ने जो भी डायलॉग बोला वो डबिंग के दरमियान उनको पता रहे. कि जैसे कि यू आर नॉट फॉलोइंग 100% एक्यूरेट स्क्रिप्ट. कोई भी एक स्टेटमेंट है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, दिस इज अ स्टेटमेंट, राइट? बट अभी जब ये डायलॉग बोला गया उसका भाव अलग था. उसका शायद मैं मार दूंगा, उसमें कुछ उसने थोड़ा तरोड़ मरोड़ दिया, या तो फिर कोई अलग शब्द बोल दिया, या तो फिर वो इंग्लिश में बोल दिया, या तो फिर गुजराती में बोल दिया. तो इम्प्रॉम्प्ट जितना भी चेंजेस होता है, जो भी एक्सप्रेशन के साथ उसको बोला गया है, वो एक्सप्रेशन आर्टिस्ट को जब डबिंग करता है स्टूडियो में जाके पोस्ट प्रोडक्शन के दरमियान, उनको पता रहे कि किस अग्रेशन के साथ, किस भाव के साथ मैंने वो डायलॉग कन्वे किया था. वही एग्रेशन, वही भाव के साथ, या तो फिर वही फीलिंग में रह के वो डबिंग कर पाए. इसलिए पायलट साउंड रिकॉर्डिंग होता है. एंड सिंक साउंड जो हॉलीवुड इंडस्ट्री में काफी बरसों से यूज होता था एंड आजकल हमारे इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है, बट इंडिया इज टोटली लाइक एवरी प्लेस जहां पे आप शूटिंग कर रहे हो वहां पे शक्य नहीं है सिंक साउंड करना. सो हमारे में थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ, लेकिन आजकल इक्विपमेंट की बदौलत ऐसा शक्य है कि हर एक चीज सिंक साउंड में की जा सके एंड प्रोड्यूसर्स हैव अ बजट टू गो फॉर सिंक साउंड. सो सिंक साउंड इज, सो एक तो यू आर सेइंग इंडिया में इतना टाइम लगा बिकॉज़ इंडिया इज अ वेरी नॉइजी मार्केट. लाइक जैसे कि आप आउटडोर जितने भी आपके शूटिंग्स है या तो फिर आपका जो शूटिंग स्केड्यूल जो आउटडोर प्लान हो रहा है, जो घर के अंदर नहीं है, स्टूडियो के अंदर नहीं है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है. आसपास में कितने सारे ट्रैफिक नॉइज है, या तो फिर कोई पक्षी ने बोल दिया, या तो फिर कोई दूर दूर से बात कर रहा है. तो माइक्रोफोन, लाइक एक छोटा सा माइक्रोफोन जो बहुत महंगा है, लेकिन बट इट कैन
grab so many unnecessary things from everywhere, right? तो अभी आप माइक्रोफोन को तो ऐसा समझा नहीं सकते कि ये फ्रीक्वेंसी को नहीं लेने का और ये फ्रीक्वेंसी को ही लेने का, ऐसा यू कांट टेल इट टू द माइक्रोफोन. तो जब हम इंडिया की बात करें तो काफी चीजें इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि जिसको हम रोक सके वाइल डूइंग अ रिकॉर्डिंग. सो फिर सिंक साउंड, व्हाई सिंक साउंड इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया फ्रॉम 100%. लाइक आप 100% सिंक साउंड हुआ है ऐसा नहीं कर सकते जब व्हेन इट इज अ बिग ब्रांड फिल्म. क्यों? कि काफी जगह ऐसी है आपकी लोकेशंस की कि वहां पे आपको जैसा साउंड चाहिए वैसा रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा. तो फिर क्या कर सकते हो आप कि जितना भी सिंक साउंड हो सके उतना सिंक साउंड करो, जितना भी नहीं होता है तो फिर उसका हल्का सा डबिंग आपको करना पड़ेगा. एंड फिर क्या होता है कि व्हेन द सिचुएशन इज नॉट ऑन योर साइड तो फिर टेक ज्यादा आते हैं कि जैसे कि जब व्हेन द एक्टर इज गिविंग हिज डायलॉग तो वही समय पे एक ऐसा अननेसेसरी डिस्टर्बेंस आ गया कि जिसको आप रोक नहीं सकते. तो साउंड के लिए बहुत सारे टेक हो गए जब व्हेन यू आर डिसाइड कि आपको सिंक साउंड करना है. तो फिर जितने भी टेक होते हैं उतना ही समय गया और जितने भी समय गया उतना पैसा गया. तो फिर वो हिसाब से सिंक साउंड का जो पूरा एक टेक्निकल एस्पेक्ट है वो इंडिया में सक्सेस 100% नहीं है, ऐसा मैं बोलता हूं. दिस इज माय साउंड तो करना इज अ लिटिल मोर एक्सपेंसिव. इट इज डैम एक्सपेंसिव क्योंकि उसके जितने भी इक्विपमेंट्स है वो लाइक सिंक साउंड इज नॉट जस्ट लाइक वन और टू गाय कैन मैनेज. उसके लिए पूरा एक टीम चाहिए प्रॉपर, पांच से छह लोगों का. तो फिर उसमें एक पूरा ट्रॉली होता है साउंड का कि जिसमें सब चीजें रहती है, रिकॉर्डिंग, फिर लैपल माइक के रिसीवर्स, फिर उसका बैकअप लेने के लिए चीजें, पूरा एक सेटअप झमेला, एक लाइक इट्स लाइक वन काइंड ऑफ अ ट्रॉली की जो ट्रॉली पूरा सेटअप होता है. फिर जितने भी आर्टिस्ट है तो उसको लैपल माइक्स दो, फिर दो ये तीन लाइक आजकल तो तीन तीन बूमर काम करते हैं. But you must know that what the boomer is, but I still telling कि boomer is like वो एक बड़ा सा road लेके उसमें microphone feed करके खड़ा रहता है. जितना भी film का schedule है जैसे कि सुबह 8 से लेके रात को 8 तक का film का schedule है तो वो boomer का काम है सिर्फ अपने हाथ को खड़े रह के ऐसे ही खड़ा रहो आप वो microphone को लेके. So this is the toughest job. And nowadays getting a good boomer कि कहाँ तक microphone रखना है, कहां से किस प्रकार से माइक्रोफोन रखना है. जैसे कि वो जो पूरा शॉटगन माइक है जो रोड है शॉटगन माइक का, तो वो ऐसे लाइक आप चाहो तो उसको पूरा रोटेट कर सकते हो बराबर, लेकिन किस प्रकार से वो माइक्रोफोन को रखे कि एक्टर का डायलॉग अच्छे से मिले, उसको फीलिंग भी मिले. जैसे कि ट्रेन में आप रिकॉर्ड कर रहे हो अपना साउंड तो बाहर का आवाज, थोड़ा ट्रेन का आवाज एंड द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट की डायलॉग, वो तीनों अच्छे से आ जाए तो वो फीलिंग भी आ जाए कि ये बंदा ट्रेन में खड़ा है एंड साथ में डायलॉग की क्वालिटी जो है वो ना बिगड़े, उस प्रकार से वो बूम को आप सेट करना है. फिर दूसरा जो है कि वो लैपल माइक्स देते हैं हर एक आर्टिस्ट को, तो फिर वो लैपल का भी एक वेरी एक्सपेंसिव थिंग. सो इस प्रकार से अलग अलग जगह पे अलग अलग माइक्रोफोन्स रखे जाते हैं और यूज किए जाते हैं एंड एज पर द बजट वो सब चीजों का उपयोग होता है. लेकिन सिंक साउंड इज वेरी एक्सपेंसिव एंड एक्सपेंसिव से ज्यादा आला है कि इट इज वेरी ट्रिकी व्हेन यू आर डूइंग फिल्म शूट इन इंडिया. कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, बट ऑन द अदर साइड डबिंग में भी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि सबका शूट कोऑर्डिनेट करना है. यस, लाइक वही तकलीफ आजकल ज्यादा आती है कि जितने भी बड़े स्टार्स है तो उनकी डबिंग अपॉइंटमेंट्स आपको इजीली नहीं मिलती. जैसे कि आपका एक शूट ये महीने खत्म हो रहा है, उसके 6 महीने बाद ही इज अवेलेबल टू कम फॉर द डबिंग स्टूडियो एंड देन ही विल गिव यू द डबिंग डायलॉग्स. तो फिर 6 महीने तक आपकी फिल्म है ना वो एडिटिंग फ्लोर पे पड़ी रहेगी. जब तक वो डबिंग डन नहीं हुआ तब तक आपकी फिल्म एडिटिंग पे ही रहेगी. तो फिर वो ज्यादा समय वेस्ट होता है ना. तो ज्यादातर पीपल व्हाट नाउ अडेज पीपल आर डूइंग दैट कि वो
जो भी सिंक साउंड के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, उसके ऊपर ज्यादा ऑपरेशंस करेंगे, तो ड्यूटीज बढ़ जाती है स्टूडियो में जब वो ऑडियो फाइल पहुंचे तब, कि काफी अननेसेसरी चीज को वो फाइल में से हटाओ, उसको अच्छा ऑडिबल बनाओ, और जो फीलिंग है वो भी उसको संभाल के रखो, जो भी सीन है उसकी डिमांड है, क्योंकि फीलिंग नहीं है तो कुछ नहीं है. व्हेन लाइक हमने वो ट्रेन का एग्जांपल लिया, अभी वो उसमें से ट्रेन की आवाज ही निकाल दोगे आप, तो वो फीलिंग नहीं, आप वो बंदा महसूस नहीं कर पाएगा कि जो एक्टर है मेरा वो ट्रेन में बैठा है, तो वो कुछ मतलब ही नहीं रहता ना फिर. सो दैट्स द थिंग कि दोनों हिसाब से देखे तो बोथ ऑफ द थिंग्स आर ट्रिकी, बट पीपल आर फाइंडिंग सॉल्यूशंस इन देयर वेज एंड मेकिंग द थिंग सक्सेसफुल. यस, एंड हाउ इज द आर्ट इवॉल्विंग नाउ? लाइक सो इतो आई सॉ दिस डॉक्यूमेंट्री ऑन द बीटल्स, गेट बैक, थ्री पार्ट डॉक्यूमेंट्री, जो वो कहते हैं पीटर जैक्सन ने बनाई है, जो वो कहते हैं ही कुड मेक इट बिकॉज द साउंड टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट देयर ऑडियो इज नाउ अवेलेबल. सो वो रेस्टोरेंट में जॉन लेनन और पॉल मैकार्टनी बैठे हैं. Yes. Now we can extract that audio and recreate that conversation, and the technology is not available 5 years ago also. How is the art evolving over the last few years? So, पूरा जो ये success ratio है वो acceptable हुआ है या तो फिर वो achieve कर पाया है, only and only one reason कि nowadays the good mixers are there, good microphones are there. कि अभी आप ऐसे एंड्रॉइड फोन्स एंड ऐसे एप्पल फोन्स भी अवेलेबल है कि जहां पे आप नॉइस कैंसिलेशन के साथ आपका खुद का आवाज आप रिकॉर्ड कर सको. कि आजकल ऐसी भी चीजें एंड्रॉइड एंड एप्पल के भी आ गई है कि क्योंकि जहां पे आपके आसपास में इतनी अननेसेसरी चीजें चालू है, लेकिन उसको आप रिड्यूस करो और आपका आवाज फोकसली रिकॉर्ड हो. तो अभी जब वो 3000 रुपए का माइक, which is fantastic quality actually. Yes. But अभी 2.5 लाख का भी माइक आता है, वो चाहे वो सेनहेजर का हो या तो फिर कोई भी बड़ी कंपनी का हो, इलेक्ट्रोसोनिक का हो. तो फिर जब हम सेनहेजर के माइक्रोफोन्स यूज करने की बात करते हैं तो दे आर गिविंग अ गॉड डैम गुड क्वालिटी वाइल रिकॉर्डिंग अ साउंड. तो जब ये सब चीजें अवेलेबल है मार्केट में एंड कंटिन्यूअसली, चाहे वो लाइव इवेंट की बात हो या तो फिर चाहे वो फिल्म शोर के साउंड रिकॉर्ड करने वाली बात हो या तो फिर स्टूडियोज की बात हो, एक चीज मैं बोलूंगा कि एवरी डे समथिंग इज कमिंग इन योर वे कि चलो ये नई चीज है. एंड पीपल आर, हमारी इंडस्ट्री में एक समय तक मैंने ऐसा देखा है कि देर इज नो एक्सपेरिमेंटिंग. चाहे एक बड़ा नाम हो कि जो बहुत अच्छा सिनेमेटोग्राफर है, चाहे वो बहुत अच्छा साउंड रिकॉर्डिस्ट है, तो उसको ही काम मिलता था. लेकिन आज का क्या सीन है बॉस, कि हर एक जगह से हर एक बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है एंड दे आर प्रूविंग देमसेल्फ विथ अ वेरी लेस इक्विपमेंट्स. कि दे आर दैट मच पैशनेट कि उनको जो चीज चाहिए वो कैसे भी करके वो तरोड़ मरोड़ के वो मेक इट पॉसिबल. तो मैं आज ये चीज बोलूंगा कि चलो इक्विपमेंट की बदौलत काफी चीजें आसान कर दी है इक्विपमेंट में, बट पीपल आर चेंजिंग. जो एक रिजिड मेंटालिटी थी उसमें से पब्लिक बाहर आके दे आर एक्सपेरिमेंटिंग. कि अभी चलो मैं अपनी खुद की बात करूं कि मैं सिंग साउंड कर रहा था वहां पे एंड मैंने हर एक आर्टिस्ट को लैपल्स दिए गए हुए थे. वहां पे मैं बूम माइक कोई भी तरीके से नहीं रख सकता था, तो बीच में एक तुलसी क्यारा था. जो तुलसी क्यारा हमारे इंडियन सीन के हिसाब से वो आउटडोर था कि जैसे कि 5-6 घर है उसके बीच में एक तुलसी क्यारा है और वहां पे लोग लाइक एक हैवी एग्रेशन वाली चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा एक सीन था. बट एज पर द सिनेरियो मैं कोई भी तरीके से वहां पे बूम माइक नहीं रख सकता था, वहां पे प्लेस नहीं कर सकता था. क्योंकि बहुत लाइक इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग स्क्रीन सीन एंड मेरे को कोई भी तरीके से वो डायलॉग्स चाहिए थे. तो फिर मैंने क्या किया कि वो तुलसी क्यारा में अपना माइक्रोफोन प्लेस किया. सो दिस इज अ वन काइंड ऑफ अ जुगाड़ कि आपको अपनी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, आपको हर एक चीज को अच्छे से रिकॉर्ड करने के लिए एंड चलो हर एक का अच्छा सा सेपरेट डायलॉग तो मेरे को मिल रहा है, लेकिन
जो वो सीन की डिमांड है, जो वो सीन की फीलिंग है, वो कहां से मिलेगी मेरे को? तो सिर्फ तुलसी क्यारे में जो प्लेस किया था माइक्रोफोन, वहां से ही वो एम्बियंस फीलिंग दोनों कैप्चर रहेगा मेरे साथ। तो आई हैव टू डू इट एंड आई डिड इट माई वे। सो माई पॉइंट इज सेइंग कि मैंने ये किया और क्रिएटिव किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया इसमें क्रिएटिव, बट द पीपल आर ट्राइंग टू डू वेरी क्रिएटिव वे, पीपल आर पुटिंग देयर एंथुजियाज्म, पुटिंग देयर डिफरेंट आइडियोलॉजी एंड क्रिएटिविटी इन अ मैनर कि जहां पे उनका काम हो। तो मैं एटलीस्ट वो स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं हूं कि सिर्फ इक्विपमेंट की बदौलत काम अच्छे बन रहे हैं, बट पीपल पुटिंग देयर वेरी हार्ड एफर्ट्स टू मेक इट पॉजिटिव। And I think that is a good spot now to end this conversation. Thank you so much, Bhishma. मुझे बहुत सीखने को मिला. This was like a great, very interesting conversation because अभी तक हमने ये area explore नहीं कर पाए हैं. So thank you for shedding light on what is a very, very new area for me and definitely for a lot of our listeners. My pleasure. And I'm actually thankful to you कि मुझे मुझे पूरा 2011 से लेके 2023 तक का पूरा journey आपने मेरे को याद करवा दिया, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मुझे ये चांस मिला आपके साथ बात करने का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड थैंक यू ऑल फॉर ट्यूनिंग इन ऑन यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, और व्हेरेवर यू आर, एंड सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। बाय बाय।